मेरा नाम शरद भटनागर है और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। मैं एज अ टीचर वर्क कर रही हूँ वहाँ पर। और मुझे काफ़ी दिन से, मैंने 2022 में भी अपना एक ऑपरेशन हुआ था मेरा 40s में, तो मुझे वहाँ सिस्ट का पता चला था, लेकिन मैं वर्किंग में थी, इतना मेरे को वो नहीं रहा कि मैं ध्यान नहीं दिया। फिर लास्ट जुलाई में मैंने एक सोनोग्राफी वर्क कर ली, उसमें मुझे सिस्ट का पता चला कि फाइब्रॉइड बड़ा साइज हो गया। फिर मैंने एक दो नॉर्मल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखा, फिर सरकारी हॉस्पिटल के सर ने मुझे आप ये सजेस्ट किया कि वो बहुत एक्सपीरियंस मैम है, काफी आपकी तारीफ कर रहे थे, तो फिर उनको फॉलो करते हुए मैं इस हॉस्पिटल में आई और आपसे संपर्क हुआ मेरा। फिर मैंने फील किया कि जो मेरा ऑपरेशन हुआ, जैसे मैं डर रही थी कि मैंने सुना ओपन सर्जरी के बारे में, और इसके बाद बहुत अभी मैंने कुछ वीडियो देखी थी उससे बिफोर भी ऑपरेशन से, कि 3-6 महीने तक का आपको प्रिकॉशन लेना पड़ता है और काफ़ी कुछ था, लेकिन मैंने आपके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेटर रहा। मैंने आज स्टिचिंग कटवाने आई हूँ मैं, तो मुझे बस हल्का जो नॉर्मल पेन होता है वो हो रहा हुआ है, गैस का थोड़ा सा दिक्कत हुई है, और ऐसा मुझे कोई डर नहीं लगा। जो मैं डर रही थी बहुत ज़्यादा कि आपका ऑपरेशन मेरा कैसा रहेगा, मैं वर्किंग में कितनी जल्दी लौट पाऊंगी, क्योंकि छुट्टी भी हमें बहुत लिमिट में मिलती है। हाँ, तो मेरा मैम के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, थैंक्स फॉर दूरबीन हॉस्पिटल। मैं मैम को भी बोलूंगी और कांग्रेस बोलूंगी, मुझे बाद में पता चला कि मैम तो राज्य स्तरीय सम्मानित है, काफी ग्लैड फील हुआ कि मैंने बहुत एक्सपीरियंस बंदे से अपना, मैम से अपना ऑपरेशन करवाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू शरद जी। आपका दूरबीन से बच्चेदानी निकालने वाला ऑपरेशन हुआ, बहुत बड़ा फाइब्रॉइड था, काफ़ी परेशान थे, और एज यूजुअल जैसे सारी औरतें डरती है कि ऑपरेशन के दौरान पता नहीं क्या होगा, वही शायद आपकी फीलिंग थी कि ऑपरेशन पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, कितना दर्द होगा। लेकिन अब अपन सब ऑपरेशन कराने के बाद अपने आप लोग फील करते हैं कि ज़्यादा ऐसा कोई पेन नहीं होता, ऐसी कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं आती है, वो डर ही ऐसा होता है जिसकी वजह से हम लोग अपना इलाज ही नहीं करा पाते होते हैं बहुत। तो फिर क्या, हर कोई आस पड़ोस से मुझे हुआ, मेरे नेबर का उसका ओपन सर्जरी था, वो मुझसे मिलने आई, तो आफ्टर ऑपरेशन कहती है मैं तो एक साल बाद तो मैंने रिलेशन बनाया और एक साल तक तो मैं जीने नहीं चढ़ी उतरी। उसने मतलब मुझे, मैम इतना डरा दिया ना कि रियल में ऐसा होता है क्या। अब हमारा पेशेंट, अगर हमने आपको भी बताया था कि भाई आप सीढ़ियां उतर चढ़ सकते हो, नीचे बैठ सकते हो, रिलेशन आप 2 महीने बाद बना सकते हो आराम से, क्योंकि वजाइना पे थोड़े स्टिच रहते हैं, इसलिए 1-2 महीने का परहेज बताया जाता है, बाकी आपका नहाना धोना खाना पीना घूमना फिरना सब कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है खुद ने। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, और डेफिनेटली एक्सपीरियंस हैंड्स का तो फर्क होता ही होता है। मैं भी एग्री करूंगी मैम की हर बात को, फिर रियल में कि बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस, रियल में बहुत डर रही थी क्योंकि वर्किंग में मैम होने के कारण ना हम रियल में अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। सही बात है, तो हमें स्टेज तक पहुंच गए नहीं, तो मुझे पता चला था ये बहुत छोटी सिस्ट थी, छोटी सी तो बड़ी बनती है, हम उस चीज को रियलाइज ही नहीं करते हैं, छोटी को हम बड़ी बना के फिर कॉम्प्लिकेशन कर लेते हैं और फिर तकलीफ होती है। इसलिए सभी औरतों से, सभी महिलाओं से सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने बीमारी का जल्द पता करें और जल्द इलाज कराएं, उसे पाले नहीं पोसे नहीं, आप लोग अपने ब्लड से उसे बड़ा करते हैं, फिर हम ब्लड चढ़ा चढ़ा के सर्जरीज करते रहते हैं, तो इस स्थिति में क्यों लैंड अप करें। दूरबीन से इतना अच्छा, इतना सुविधाजनक इलाज है कि किसी भी एज में हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, 60 साल 70 साल 80 साल तक की लेडीज का हमने ऑपरेट किया हुआ, और वो सक्सेसफुली बढ़िया और बहुत अच्छी रिकवर करती है। थैंक यू शरद जी, थैंक यू।